नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपन को स्वागत। भारतर राष्ट्रपति होउछन्ती एग्जीक्यूटिव हेड। आम कहीपर जेकोसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुए तो राष्ट्रपति साइन बिना यह सब जिनस हवा असंभव। बट भारत गोटे डेमोक्रेटिक कंट्री किमा आम कहीपर गणतांत्रिक देश, तेणु गणतांत्रिक देश में भारतर एक्चुअली प्रधानमंत्री पाखे पावर अधिका नो डाउट। बट आमर संविधान किंवा आमर कन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति की भी बहुत पावर देजी, कारण विभिन्न प्रकार सिचुएशन को कंट्रोल को आने पर राष्ट्रपति पावर, तेणु एत बड़ जेहेतु पावर से पोजिशन रही निश्चित भाव में सब पॉलिटिकल पार्टी चाहिए कि ताकर पसंदीदा लोक राष्ट्रपति आसन में बसतु। तेणु बर्तमान आम जानू बहुत कम दिन पर एक्चुअली राष्ट्रपति इलेक्शन हे, तेणु दल मान भितर गोटे प्रकार महाभारत कि गोटे प्रकार युद्ध स्टार्ट हो जाएगी। तो केमी भाव में निज निजर पसंदीदा कैंडिडेट एक्चुअली राष्ट्रपति पोजिशन बस भी, तेणु बर्तमान सिचुएसन कौन एक्चुअली कौ पार्टी कौ दलर लोक राष्ट्रपति हवा चान्सेस अच्छी डिटेल से भिडियो बुझा आम। ओके, आप देखिपे इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल, ममता कॉल्स लीडर ऑफ द 19 पार्टीज फॉर द टॉक्स ऑन द प्रेसिडेंशियल पोल, कांग्रेस नॉट इम्प्रेस्ड। ममता बनर्जी वर्तमान एक्चुअली जी कि नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर अच्छा मुख्यमंत्री अच्छा पाख को सब लेटर लिखी, ता सहित विभिन्न प्रकार छोटमोट पॉलिटिकल पार्टी जे लीडर अच्छा आइदर से चीफ मिनिस्टर अच्छा या फिर नहांती, तो ताकू भी एक्चुअली ममता बनर्जी चिठी लिखी। बुधवार दिन दिल्ली में गोटे मीटिंग हम, कहापर मीटिंग हम ना मीटिंग या जिनस हम जे कि समस्ते जी कोऑर्डिनेशन करेंगे नॉन बीजेपी जी भी बीजेपी ना से मिसे तो चांसेस अच्छे एक्चुअली ममता बनर्जी कैंडिडेट किंबा नॉन बीजेपी कैंडिडेट जन प्रेसिडेंट हे बोली। तेणु बर्तमान कथा उठू राज्यसभा इलेक्शन पर ना तो देखा जाइए बीजेपी को बहुमात्रा एक्चुअली राज्यसभा ठीक ठाक सीट मिली। जदि आम देखा कि इलेक्शन प्रोसीजर रे तो प्रेसिडेंट एक्चुअली केमी सिलेक्शन कराए तापर जना पड़ो कि कौ पार्टी प्रेसिडेंट हो पाए। देखो प्रेसिडेंट को एक्चुअली कौ मैंने भोट देवे ना जो मैंने एमपी अच्छा कौटी एमपी अच्छा ना राज्यसभा लोकसभा इलेक्टेड एमपी नोमिनेटेड एमपी आम कह इलेक्शन भोट काउंट कराबन। तापर स्टेट रो एमएलए अच्छा एमएलए मान भी भोट काउंट कराब। बट जो देश में राज्यसभा आम कहीपर दीटा गृह अच्छी आम कहीपर कौन विधानसभा विधान परिषद केवल विधानसभा लोक भोट देवे विधान परिषद उत्तर प्रदेश जमी विधान परिषद अच्छी तो सेठी एक्चुअली विधान परिषद भोट देवे। ओवरऑल आम कह किए राष्ट्रपति को भोट दबो ना जी सब एमएलए अच्छा जी सब एमपी अच्छा से मैंने एक्चुअली भोट देवे। तो भोट केमी भाव में गोटे एमएलए रोटे भोट ना गोटे एमपी रोटे भोट ना एक्चुअली फर एक्जाम्पल आम कहपर ओडिशा विधानसभा 147 जन एमएलए अच्छा तो ओडिशार मनकर आम कहपर 4.5 कोटी पाखापाखी ओडिया अच्छा ओडिशावासी अच्छा तेणु सबु एमएलए डिवाइड हे भोट के पपुलेसन अच्छा से भाया गोटे गोटे एमएलए भोट काउंट हे तो एक्जाक्टली एमपी से भाया गोटे गोटे मनकर डिस्ट्रिक्टर एमपी अच्छा है से डिस्ट्रिक्टर केपुलेसन अच्छा नहीं कि डिसाइड कराव गोटे एमपी रोट के पूरा भारत काल्कुलेसन हे। तेणु सबु एमएलए एमपी भोट दे सारापर तापर प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट एक्चुअली किए हम जना पड़ो। देखो कथा उठू ठीक क्यों पार्टी हवा वाला चान्सेस अच्छी बीजेपी आम कहीपर राज्यसभा बहुमत अच्छी लोकसभा बहुमत अच्छी प्लस आम कहीपर मोर देन बहुत स्टेट्रे नन बीजेपी स्टेट अपेक्षा बीजेपी स्टेट्रे अधिक एक्चुअली बीजेपी पाखे एमएलए भी अच्छा तेणु निश्चित भाव में आम कहीपर जी सीधा सीधा हिसाब कराए बीजेपी हाथ को कैंडिडेट आसीपे। बट जी पूरा सब समस्ते नन बीजेपी चीफ मिनिस्टर नन बीजेपी लीडर स्वाधीन प्रार्थी समस्ते मिसीजे कौटिना कौटी भोट कंपिटन हो पाए। यह है एक्चुअली राष्ट्रपतिर मानने राष्ट्रपति आम कहीपर कौन सिलेक्शन प्रोसीजर। बट मत जहाँ एक्सपेक्टेसन जनावि जहाँ भी बीजेपी कैंडिडेट रे कि मोदी सरकार जी भी पसंदीदा लोक रे मोस्ट प्रोबेबली से ही कैंडिडेट ही आम कहीपर कौन राष्ट्रपति हो पारती। प्लस आम कहीपर ममता बनर्जी चिठी लिखी ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे सपोर्ट करना जो महाराष्ट्र आम कह शिवसेना प्लस नवीन पटनायक हाँ ना भितर अच्छा कारण नवीन पटनायक को एक्चुअली बीजेडी पार्टी को सपोर्ट मिलूँ कौटू एनडीए रु सपोर्ट मिलू मोदी सरकार पाखु प्लस आम कहपर कांग्रेस से भी एक्चुअली आम कहपर सपोर्ट करनी कारण सोनिया गांधी देह खराब अच्छी एपटे मल्लिकार्जुन खारगे कौन आम टीएमसी को भावुनु जे गोटे नेशनल दल भाया तेणु आम से सपोर्ट करवा आवश्यकता नहीं तेणु बाछी बाछी 4-5टा चीफ मिनिस्टर रही आम कहपर अरविंद केजरीवाल भगवत सिंह मान एपटे विजयराम पिनाराय है प्लस आम तो ममता बनर्जी प्लस केसीआर
ତ ଏଇ କେତେଜଣ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବି। ବଟ୍ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପସନ୍ଦିତା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପର୍ସନାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ହଁ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇକି ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କିମ୍ବା ସମ୍ବିଧାନ ରହିବ। ଲେଖନ୍ତୁ ମତାମତ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।